नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं अलीशा गलवार और आज फिर आ रही हूँ मेरे नए वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में मैंने सोचा कि क्यों ना हमेशा से जो हमें क्लेम किया जाता है कि लड़कियाँ रेडी होने में बहुत टाइम लगाती हैं, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं अब फुल रेडी होंगी। मेरा पूरा फेशियल मेकअप करने वाली हूँ मैं, एक नॉर्मल मेकअप जो कि हम नॉर्मली किसी पार्टी के लिए या फिर मार्केट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, और मैं ये करूँगी टाइमर के साथ। तो चलिए देखते हैं कि हमें कंप्लीट मेकअप करने में कितना टाइम लगता है। सो लेट्स स्टार्ट। ये मेरा बायोटिक का मॉइस्चराइज़र है जिसको कि मैं अभी अपने फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ। मेक श्योर आप जब भी कुछ अपने फेस पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो एक मॉइस्चराइज़र नीचे ज़रूर लगाएं, उससे कुछ भी ब्लेंड करने के लिए बहुत ईजी होता है। सो लेट्स स्टार्ट। Trying this. जहां पे डार्क सर्कल्स वगैरह है इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंडर के हेल्प से आपको ब्लेंड करना होगा। ये जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने जो कंसीलर को है कितने अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। यही आपके फेस के ग्लो को या डार्कनेस को मेंटेन करेगा। अगर आपने अच्छे से ब्लेंड नहीं किया तो सारा फेस जो है वो ब्लैक दिखने लगेगा। आई गेस कि ये मेरा ब्लेंड हो गया है। सो मैं ये मैबलिन का यूज़ कर रही हूँ अपना आई पैलेट। मैं पीच कलर लगाने वाली हूँ मेरे फेस पे। I'm applying this for my eye makeup. ये ब्राउन शेड यूज करने वाली हूँ क्योंकि मैं अभी कहीं मार्केट वगैरह तो जाना नहीं मुझे कभी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा लाइट मेकअप करने वाली हूँ सबके लिए।
यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं इसका। ये जो शेड है ये ब्लैक ब्लैक शेड वो यूज़ करने वाली हूँ। इसी से मैं अपने आई लाइनर को बनाऊँगी। दस खुजा ब्यूटी का ये और लिपस्टिक में अप्लाई करने वाली हूँ मेरे लिप्स पे। यूजिंग दिस टर्कोइज कलर का काजल, ये लैक्मे का है। बिल्कुल नेचुरल है, मैंने इनको कभी बनवाया नहीं है, सो आई विल यूज जस्ट, मैं इनको कॉम कर लूँगी ताकि ये जो हैं वो थोड़े अनसेट हैं तो ये सेट हो जाएं। आई गेस कि अब मैं रेडी हो गई हूँ, बस लिटिल बिट फॉर्म कर लेते हो अपने हेयर्स को। ओके तो वी सेट नाउ। तो ये मेरा फाइनल लुक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ। और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपना प्यार देते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।